हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट गूगल से कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप वो उसमें ब्लॉग बना रहे हो, या चाहे कोई एडुकेशनल वीडियो बना रहे हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो। सो फ्रेंड, आपको डायरेक्ट कॉपीराइट फ्री इमेजेस गूगल से कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताने वाला हूँ, और फिर उसे अपने वीडियो में आपको क्रेडिट कैसे देना है उस इमेज को, वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। तो चलिए शुरू करें। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम एप्लीकेशन में जाने का है। गूगल क्रोम एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उसमें क्लिक मारने का है। नीचे में आपको डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा, डेस्कटॉप साइट में भी क्लिक मार देने का है। फिर आपको ये सर्च बार दिख रहा होगा, तो सर्च बार में आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है तो उस टॉपिक का आपको इमेज डाउनलोड करना रहेगा। जैसे कि मैं कोई ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं पुणे सिटी घूमने के लिए गया हूँ, तो मुझे पुणे सिटी के कुछ इमेजेस डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे पहले पुणे सिटी लिख दूंगा। तो दोस्तों, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा इमेज का ऑप्शन, तो इमेज में क्लिक मारने का है। दोस्तों, आपके पास ये बहुत सारे आपको इमेजेस दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें से कुछ इमेजेस ऐसे हैं जो आपका कॉपीराइट फ्री है, और कुछ इमेजेस ऐसे हैं जो आपके कॉपीराइट फ्री नहीं है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा टूल्स करके, आपको टूल्स में क्लिक मारने का है। जैसे आप टूल्स में क्लिक मारेंगे, एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा यूजर्स राइट्स का। तो यूजर्स राइट्स में आपको क्लिक मारने का है। यूजर्स राइट्स में आप जैसे क्लिक मारेंगे, आपका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस करके एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें क्लिक मारने का है। तो दोस्तों, अभी ये जितने भी इमेजेस आए हैं सारे के सारे आपके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के है, मतलब कि आप कोई सा भी इमेज यूज़ करेंगे आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले कोई सा इमेज क्लिक करने का है। जैसे कि मुझे ये इमेज पसंद आया तो मैं इसमें क्लिक मारता हूँ। क्लिक मारने के बाद अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आपको पहले इसमें इसे प्रेस करना पड़ेगा, और नीचे में जाके आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन में जाके आपको ये डाउनलोड कर देने का है, और ये इमेजेस आप फिर किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। आपको कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको सिक्योरिटी के लिए आप अगर उसको क्रेडिट देना चाहें तो आप क्रेडिट भी दे सकते हैं। तो आपको उसके लिए पहले 3 डॉट पे क्लिक मारना पड़ेगा ऊपर में। पहले इसका वेबसाइट देख लेना कि ये pixabay.com वेबसाइट से लिया गया है, और आपको ये ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, तो 3 डॉट में क्लिक मारने का है। थ्री डॉट में आप जैसे भी क्लिक मारेंगे तो आपको उसके ऊपर में पहले शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, शेयर में क्लिक मारने का है। फिर नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक टू कॉपी लिंक, फिर उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। फिर उसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्रेडिट कैसे देना है इस इमेज का। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिखना है इमेज क्रेडिट, और आपको वेबसाइट का नाम लिख देना है, और जो लिंक को आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऐसे में आप कोई सा भी इमेज यूज करेंगे आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको गूगल से डायरेक्ट कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड करने में और अपने वीडियो में यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को, और चैनल में नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो